हेलो एवरीवन, लास्ट ब्लॉग दिल्ली टू देहरादून नेशनल हाईवे और ये फिर तरीके में बात कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ काम अब कंप्लीट हो चुका है, फिर भी अभी एक साल समथिंग इसमें भी काम होना है, एक साल का वेट हमको करना पड़ेगा। और मैं और नवीन भाई बिहारीगढ़ पहुँच गए हैं, जहाँ पर कि हम हर संडे थेरेपी के लिए आते हैं। यहाँ पर साइटिका और जोड़ों के दर्द के लिए यहाँ पर आते हैं काफ़ी सारे लोग। यहाँ पर जो वैद्य जी हमारे गोवर्धन जी बहुत ही अच्छा इलाज करते हैं, काफ़ी लोगों को यहाँ से फ़ायदा ही मिला है। तो चलिए लेट ना करते हुए ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट एंड लेट्स गो। तो गाइज़, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा में उत्तराखंड। उत्तराखंड बॉर्डर हम पार कर चुके हैं और यूपी के साइड आगे प्रस्थान कर चुके हैं। बिहारीगढ़ हम जा रहे हैं और जैसे आप देख सकते हैं कि वन साइड कंप्लीट हो चुका है, दूसरे साइड अभी पिलर्स पड़ रहे हैं और काफ़ी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, डे नाइट काम चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेबल करने के लिए, चारकोल बिछाने के लिए लेबलिंग मशीन भी आ रखी है और बहुत सारी मशीनें काम कर रही हैं। डे नाइट काम चल रहा है, दिन में आजकल धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है इसलिए काम थोड़ा सा दिन में रोक के चलते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के बीचों बीच ये हाईवे निकलने वाला है, थोड़ा बहुत काम रह रखा है अभी बीच में, फिर भी 90% तक कम्प्लीट हो चुका है। बाकी आपको पता है कि दो सुरंग बीच में पड़ती हैं, दो टनल पड़ती हैं। पूरा प्रोजेक्ट जो है ये 13,000 करोड़ के समथिंग है और अभी लेफ्ट वाली टनल खोल दी गई है, राइट वाले में काम चल रहा है। लास्ट टाइम के ब्लॉग में आप देखा होगा आपने कि राइट वाली खुली थी और लेफ्ट वाली बंद थी। तो चलिए टनल के अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और टनल के अंदर से जाने से तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है भाई। तो गाइज, टनल यहाँ से बाहर निकलते ही तो ये आ गया है दूसरा साइड और ये टनल की दूसरी साइड है, जहाँ पर कि राजा जी नेशनल पार्क के अंडर में आता है और जंगली जानवर काफ़ी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी काम चल रहा है, अभी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है क्योंकि सिंगल भी है और इसमें बहुत ज़्यादा जाम लगता है और इस जाम से बचने के लिए ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। मोस्टली इसका जो यूज़ होने वाला है एक डिस्टेंस और टाइमिंग को कम करने के लिए, कम से कम इसकी डिस्टेंस जो रहेगी ये रहेगी आपकी 211 किलोमीटर के समथिंग अराउंड, और 2.5 घंटे में ये कंप्लीट होना है अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। सो गाइज, इस तरीके से कुछ है इसका सिनेरियो। और लास्ट व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाके पूरी नॉलेज इसके ले सकते हैं। चारकोल पड़ चुका है और बहुत सारी चीज़ें अभी भी होनी बाकी है, जो कि इसकी क्लैंपिंग होनी है। और मेन चीज़ ये है कि ये जो जाम लगता है ना आजकल, ये बचना है भाई, इस जाम से बचना है, बाकी सब चीज़ ठीक है। डेंटिंग पेंटिंग हो चुकी है, काफ़ी हद तक ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो स्टार्टिंग फेज है इसको और जो एंडिंग फेज है फेज 3 का, इसमें अभी थोड़ा सा काम होना बाकी है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है जिसको लेके ये नाइट में ज़्यादा काम कर रहे हैं इसमें। तो ये देखिए, चारकोल भी बिछा दिया गया है फ्लाईओवर के ऊपर और मोस्टली काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। दिखने में इसका सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लगता है और एक सबसे अच्छी खासियत जो मुझे लगी कि इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए ज़्यादा पेड़ों को नहीं काटा गया है, पेड़ों को मतलब काटा ही नहीं गया है। मैं आपको बताऊं तो पूरा का पूरा नदी के ऊपर बनाया गया है और बहुत ही अच्छा सिनेरियो है इसका। ये स्टील ब्रिज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर बिल्कुल भी क्लैंप नहीं पड़े थे, लेकिन अब इसके ऊपर भी क्लैंप पड़ चुके हैं। तो ये है वो स्टील ब्रिज और लास्ट टाइम ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था इसके ऊपर ये रूफ नहीं पड़ा था और अभी इसके ऊपर क्लैंप पड़ चुके हैं और कुछ टाइम बाद इसके ऊपर भी फ्लाईओवर पूरा काम हो जाएगा। ये देखिए आप, नाइस। ये सेकेंड साइड है फ्लाईओवर का जो कि काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी कहीं पर क्लैंप डालने बाकी रह गए हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए, जैसे हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लैंप पड़ने भी बाकी हैं और पिलर अभी खाली छोड़ दिए गए हैं क्योंकि सामने पे यहाँ पर एक छोटा सा पहाड़ का टुकड़ा जिसको कि लेबल में लाना था ये अभी काटा जा रहा है यहाँ से,
और जब तक ये लेबल पे नहीं आता है तब तक इसके ऊपर क्लैंप नहीं पड़ेगा। तो ये एक साइड है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा काम और बाकी है यहाँ पर। और स्पीड कम भी रहे तो वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जंगल में बहुत सारे मोड़ हैं और डे नाइट यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बलेनो कार किसी की ठुकी है रात को। तो इस तरीके से देखिए यार, सेफ चलें और ड्रिंक तो बिल्कुल भी ना करें। काफ़ी सारी मशीनें यहाँ पर लगी हैं काम पर और बहुत ही अच्छे स्तर पर ये काम हो रही है। देखिए अभी जो है कितना लोहा इस पर लगा है, और मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, 13,000 करोड़ का अगर खर्चा आया है तो भाई साहब बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। और ये फ्लाईओवर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखता है। बीच में ये मार्केट पड़ता है, ये मार्केट काफ़ी हद तक थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अब डायरेक्ट फ्लाईओवर के ऊपर से जब ट्रैफिक निकलेगा तो लोग यहाँ पर कम रुकेंगे। यहाँ पर बीच में राजा जी नेशनल पार्क में वन विभाग का एक ये ऑफिस पड़ता है, जहाँ से कि आप सफारी भी कर सकते हैं। सफारी का चार्ज 2500 रुपये की एक गाड़ी मिलती है सफारी के लिए, बाकी उसके अंदर 6 से 7 लोग एक बारी में जा सकते हैं। और राजा जी नेशनल पार्क के अंडर में पड़ता है ये। बाकी दूसरे साइड में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर डिवाइडर लग चुके हैं, ताकि फ्लाईओवर को मेन रूट से थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, हादसा ना हो। तो इस साइड से मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि डिवाइडर लगभग 8 से 10 फुट तक के डिवाइडर बनाए गए हैं, ताकि इस साइड से उस साइड देखा भी ना जाए, सबसे बेस्ट है। क्यों जी, चलिए इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्लाईओवर का एंडिंग पॉइंट है, और ये फ्लाईओवर कम से कम 12 किलोमीटर का बनाया गया है। 12 किलोमीटर का फ्लाईओवर है ये, और इस तरीके से कुछ काम किया गया है। इधर 6 लेन निकाली गई है जो कि बहुत ही अच्छी है दिखने की भी। चलिए आगे मैं आपको दिखाऊँ तो फ्लाईओवर की हाइट जो रहने वाली है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 30 से 40 फुट की हाइट पे रहने वाला है। बीच में ये देखिए आप डिवाइडर छोड़े गए हैं, जहाँ से कि आर पार जाने में कोई दिक्कत ना हो, बीच में जो मार्केट पड़ता है। बाकी आप आगे जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। बीच में थर्ड फेज मोस्टली कंप्लीट हो गया, लेकिन बीच में अभी भी कई जगह काम होना बाकी है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर का सीनरी जो निकाला गया है बहुत ही अल्टीमेट है। ड्रोन शॉट अगर आपको देखने हैं तो लास्ट ब्लॉग मैंने इसका बनाया था, और बहुत ही अच्छे इसमें ड्रोन शॉट भी आए हैं, और इसमें मैं ड्रोन शॉट नहीं डाल पाया क्योंकि मैं ड्रोन लाना भी भूल गया था। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। और मैं नवीन भाई के साथ, ये देखिए नवीन भाई ड्राइव कर, खुद वीडियो में बोलता हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। दिक्कत ये होती है कि एयर बहुत ज़्यादा चलती है, और हवा तेज चलने का कारण यही है, क्योंकि हमको टाइम पे पहुँचना होता है। तो हम लगभग 80-90-70 मोस्टली 100 की स्पीड में चलते हैं, और उस कारण से क्या होता है कि हमको आवाज़ साफ नहीं आती। ये देखिए इधर ये फ्लाईओवर बनने बाकी हैं, रह गए हैं, तो जब तक ये बनते तब तक तो भाई साहब टाइम तो लगे गए। तो अब निकल गए हम बिहारीगढ़ की रोड पे, और देखना होगा कि कितनी देर में हम पहुंचते हैं। ये देखिए आप, ये चीज़ें देख के गांव की याद आ जाती है भाई। बाकी हम पहुंच गए हैं सतपुड़ा गांव, और बिहारीगढ़ में ये पड़ता है। बाकी अंदर जाके अब लास्ट में यहाँ पर आप किसी से पूछेंगे अगर तो साइटिका की थेरेपी के लिए यहाँ गोवर्धन जी हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इलाज करते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। संडे को काफ़ी भीड़ यहाँ पर रहती है, और इस साइड आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ लगी हैं लोगों की। तो चलिए अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं, काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, और उसके बाद मैं आपको यहाँ का सीनरी दिखाऊँ। तो गाँव का बहुत ही अच्छा एक सेटअप यहाँ पर बनाया गया है, जो कि इसको बोलते हैं देसी सेटअप। और इस तरीके से यहाँ से देखिए आप अंदर इलाज चल रहा है, किसी का साइटिका का है, जोड़ों का दर्द है, तो जिनको डॉक्टर भी कह देते हैं कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है और वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं, तो भी वो यहाँ पर आते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इनको मिल रहा है। तो अगर आपके रिश्तेदार या कोई भी जानने वाला है जिसको साइटिका की प्रॉब्लम है, तो उनको ज़रूर आप ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो यहाँ पर आ सकें। बिहारीगढ़ सतपुड़ा गाँव, अगर आपको फुल लोकेशन चाहिए तो मैंने इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। एंड गाइस, चलिए आप थोड़ी देर थेरेपी देखिए।
एक आपको एक बाम मिलेगा यहाँ पे, दर्द का मलहम होता है। बाकी इन डब्बों में औषधि रखी गई है जो कि जड़ी बूटियों को पीस के बनाई जाती हैं, और ये आपको सुबह शाम खानी होती है, इस तरीके से दी जाएगी। आजकल गर्मी बहुत हो रही है तो हम प्याऊ पी रहे हैं, मैं नवीन भाई, देखते हैं कितना ठंडा है उसके बाद। आधा ज्यादा गर्मी उतर जाती है। मजा आ गया। तो चलिए, बाकी आपको ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना ना भूलें। एक ही बार मिलते हैं अगले ऐसे किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।